हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टाइलो बुटीक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखिए मैं आपको 40 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कंप्लीट कटिंग बताऊंगी। बोट नेक के साथ में ये ब्लाउज हम बैक ओपन पे बनाएंगे। तो आज का ये एक डिटेल वीडियो होने वाला है। मुझे काफ़ी दिनों से देखिए यहाँ पर कमेंट्स मिल रहे थे कि मैं 40 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कम्प्लीट कटिंग आपको बताऊँ। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये ब्लाउज़ देखिए यहाँ पर हम बैक ओपन पे बनाएंगे। तो यहाँ से इसकी खुली वाली साइड है। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। और ये ब्लाउज हम देखिए बैक ओपन पे बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हुकाई पट्टी के लिए हम 1/2 इंच जितनी जगह छोड़ेंगे। अगर आप फ्रंट ओपन पे बना रहे हो तो आप यहाँ पर देखिए ये जगह आपको फ्रंट में छोड़नी है। मैं यहाँ पर देखिए इसमें बैक ओपन पे बना रही हूँ। अभी देखिए यहाँ पर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम ब्लाउज़ की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तैयार लेंथ हमारी यहाँ पर 13.5 इंच है। तो इसमें हमें सिलाई मार्जिन के लिए 1 इंच प्लस करके 14.5 इंच पर निशान लगा लेना है लेंथ के लिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक में देखिए यहाँ पर हम बोट नेक बनाएंगे। तो शोल्डर हमें यहाँ पर कम ज़्यादा नहीं करने हैं। जितने भी आपके शोल्डर है उसका हाफ करके यहाँ पर ले लेना है। तो मेरे मेजरमेंट में शोल्डर यहाँ पर 14 इंच है, तो उसका हाफ मैंने 7 इंच लिया है। और 7 इंच ही हमें यहाँ से आर्म होल्स ले लेने हैं। अभी देखिए हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारा यहाँ पर है 40 इंच। तो इसका हम चौथा भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10 इंच। और यहाँ पर देखिए ये बोट नेक है, तो इसमें हम 1/2 इंच की लूजिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम फिटिंग के लिए 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच यहाँ से सिलाई मार्जिन रख लेंगे। सिलाई मार्जिन आप चाहो तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1.5 इंच भी रख सकते हो। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम कमर का भी चौथा भाग लेंगे। कमर हमारी यहाँ पर 34 इंच है, तो इसका चौथा भाग 8.5 इंच। कमर में हमें कोई भी लूजिंग नहीं ऐड करनी। और 1 इंच हम यहाँ पर बैक प्लेट्स के लिए और 2 इंच यहाँ से सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे। इन निशान्स को हम यहाँ पर स्केल की हेल्प से यहाँ पर स्ट्रेट मिला लेंगे, देखिए इस तरीके से। एंड गाइस, इसके बाद देखिए यहाँ पर हम शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करेंगे यहाँ से। तो बोट नेक ब्लाउज अगर आप बना रहे हैं तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें, यहाँ से आप 1/2 इंच जितना शोल्डर को डाउन करें। देखिए यहाँ पर मैंने आर्म होल्स में भी गोलाई कर दी है 1 इंच जितनी। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बैक में प्लेट्स के लिए भी निशान लगा लेंगे। तो 20 सेंटर में हमें प्लेट्स के लिए निशान लगा लेना है। प्लेट्स की लेंथ मैंने यहाँ पर 3 इंच रखी है। और यहाँ पर देखिए हमें 1/2 इंच जितना यहाँ से इसको तिरछा कट करना है। इसे जो हमारे ब्लाउज का आर्म होल है इसमें यहाँ पर इसमें झोल नहीं आएगा। यहाँ पर इसकी जो फिटिंग है बहुत ही अच्छे से आएगी, तो इसे हम कट कर लेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ से देखिए इस कपड़े की फोल्डेड साइड है। यहाँ पर हम बैक पार्ट को रखेंगे। जो देखिए हमने यहाँ पर हुकाई पट्टी जो बनाई है उसको देखिए इस लाइन से मिलाते हुए हम इस तरीके से बैक पार्ट को रखेंगे। और यहाँ से ऊपर से इसको एज इट इज ड्रॉ करेंगे। और आर्म होल की तरफ से भी एक बार इसको हम एज इट इज ही ड्रॉ करेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रंट पार्ट में जो चेंज करने हैं वो देखिए इसकी जो लेंथ है इसको हम 1/2 इंच बढ़ाएंगे। और आर्म होल की तरफ से इसको देखिए हम 1 इंच बढ़ाएंगे। और नीचे से इसको देखिए मैंने 2.25 इंच बढ़ाया है प्लेट्स के लिए। अगर ये बाद में एक्स्ट्रा होगा तो इसको हम कट करके निकाल देंगे। बैक पार्ट को देखिए यहाँ से हटाएंगे हम। और यहाँ पर हम देखिए फ्रंट पार्ट में फिर से शोल्डर एंड आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। शोल्डर के लिए 7 इंच पे एंड आर्म होल के लिए भी मैंने यहाँ पर 7 इंच पे निशान लगाया है। और यहाँ पर देखिए इसमें हम 0.25 इंच जितनी गहराई के लिए निशान लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए इसमें गहराई कर देंगे फ्रंट पार्ट में 0.75 इंच जितनी मैंने यहाँ पर गहराई की है, ये देखिए। और अभी इन निशान्स को हम यहाँ से कट करेंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम प्लेट्स के लिए निशान लगाएंगे।
तो एक निशान यहाँ से हम 3.5 इंच पर लगाएंगे और यहाँ ऊपर देखिए एक निशान हम 4 इंच पर लगाएंगे। चेस्ट का हमें चौथा भाग यहाँ पर लेना होता है और बस्ट पॉइंट के लिए हम यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगाएंगे। इन निशान्स को देखिए ऐसे मिलाएंगे इस तरीके से। बस्ट पॉइंट के लिए देखिए मैंने यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगाया है और इसको देखिए हम आगे की तरफ ऐसे मिला देंगे हल्की सी गोलाई करते हुए। और 2.25 इंच हम यहाँ पर प्लेट्स की विड्थ रखेंगे और प्लेट्स की हाइट के लिए हम यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से देखिए हमें इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। और यहाँ से देखिए इसको हम 0.25 इंच जितना एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। देखिए बैक पार्ट को रख के देख लेते हैं। देखिए तो जो यहाँ पर देखिए ये कपड़ा जो एक्स्ट्रा है इसको हम निकालेंगे। जब हम इसकी फिटिंग करेंगे तो जो हमारे बैक और फ्रंट पार्ट है वो बराबर से आएंगे दोनों ही पल्ले। तो यहाँ से देखिए इसको हमें निकाल देना है जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे। नेक विड्थ के लिए यहाँ पर देखिए मैं 3.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। नेक विड्थ आप चाहो तो यहाँ पर 4 इंच या फिर 4.5 इंच पे रख सकते हो, लेकिन देखिए मैं यहाँ से फ्रंट से इसका जो नेक है वो डीप रखूँगी 6.5 इंच। तो अगर आप फ्रंट से इसका नेक डीप रख रहे हैं तो आप नेक विड्थ 3.5 इंच ही लें। और यहाँ पर देखिए सिंपली मैंने एक बॉक्स बना लिया है और इसमें मैं यहाँ पर राउंड शेप है ये ड्रॉ करूँगी। आप चाहो तो डिफरेंट कोई और भी डिज़ाइन बना सकते हो यहाँ पर। तो फ्रंट पार्ट की हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी देखिए यहाँ पर जो हम बैक में डिज़ाइन बनाएंगे उसके लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए जो हमने हुकाई पट्टी की लाइन ड्रॉ की है यहाँ पर इन स्टेप को रखते हुए नेक विड्थ के लिए 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और नेक लेंथ के लिए हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स मैंने यहाँ पर बना लिया है और इसमें सिंपली देखिए गोलाई दे देंगे इस तरीके से। बोट नेक यहाँ पर हम बनाएंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 0.25 इंच पे 0.75 इंच। इसके बाद आपको जितना भी टोटल नेक डीप रखना है उसके लिए निशान लगा लेना है। तो मैं यहाँ पर देखिए इसमें 11 इंच डीप रखूँगी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पर भी देखिए एक बॉक्स इस तरीके से बना लेना है। और यहाँ पर इसमें देखिए हम अभी इसका 20 सेंटर बनाएंगे। इसमें देखिए हम लिप का शेप हम यहाँ पर बनाएंगे, पत्ती का शेप। डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगता है बनने के बाद। तो इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पर गोलाई कर देनी है। ये देखिए तो नेक मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स तो यहाँ से देखिए इसके जो शोल्डर है इसकी कटिंग करेंगे जो हमने 1/2 इंच जितना डाउन किया था। तो फ्रंट और बैक को देखिए मैंने रख के कट कर लिया है। अभी इनको हम कट कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टाइलो बुटीक, जहाँ पर आप मुझे मैसेज करके कोई भी अगर आपको डाउट हो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें पूछ सकते हो। इसको ओपन करेंगे तो देखिए डिज़ाइन इस तरीके से आएगा। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन ये बनेगा। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए ऊपर की तरफ हम 1/2 इंच जितनी जगह छोड़ेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। और यहाँ से देखिए इसके आर्म होल्स नाप लेंगे। आर्म होल्स यहाँ से इसके आ रहे हैं 1.25 इंच। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। कपड़े को देखिए इस तरीके से एक बार फोल्ड करेंगे। दोनों ही स्लीव्स की हम साथ में कटिंग करेंगे। तो कपड़े की चौड़ाई यहाँ पर देखिए कम है तो बाद में इसमें हम जॉइंट लगा लेंगे। कपड़े की चौड़ाई मैंने यहाँ पर देखिए 10.5 इंच रखी हुई है। पहले देखिए एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर हम कपड़े को सीधा करेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तैयार स्लीव्स की लेंथ हमारी यहाँ पर 9 इंच है तो मैंने यहाँ पर देखिए 10 इंच पर निशान लगाया है। लेंथ के लिए 1 इंच प्लस करके यहाँ पर हमें निशान लगा लेना है। और स्लीव्स को देखिए यहाँ से हम 3.25 इंच जितना डाउन करेंगे
और इन स्टेप को ऐसे तिरछा रखते हुए देखिए, जितने भी आपके ब्लाउज का आर्म होल है उसका निशान लगा लेना है। मैंने यहाँ पर 8.25 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ से सिंपली देख के हम स्लीव्स का शेप दे देंगे। ये देखिए बहुत ही इजी तरीका है गाइस, इस तरीके से आप किसी भी साइज़ की लिए आप स्लीव्स की कटिंग इजीली कर सकते हैं। स्लीव्स की मोरी के लिए निशान लगाएंगे, यहाँ पर देखिए मोरी का हाफ करके यहाँ पर हम ले लेंगे और इसके बाद देखिए यहाँ पर हम 2 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे और इनको यहाँ से हम कट कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर इसमें हम जॉइंट लगाएंगे, ये कपड़ा हमारा यहाँ पर कम है। और इसके बाद इनमें जो हमने 1/2 इंच पे गहराई के लिए निशान लगाया है ये गहराई भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज हमारा यहाँ पर कंप्लीट कटिंग हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीका है, इस तरीके से आप इजीली ब्लाउज़ कटिंग कर सकते हो। अगर आप प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग भी सीखना चाहते हो तो उसका मेरा ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। इसके नेक में पाइपिंग कैसे लगाते हैं मैंने आपको कंप्लीट वीडियो बना के आपको बताया हुआ है, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, जहाँ से आप ब्लाउज स्टिच करना सीख सकते हो। मैंने बहुत ही ईजी तरीका आपको यहाँ पर बताया हुआ है। आज की ये वीडियो आपको अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच गाइज़।